नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर रायपुर से है, जहां अधिकार रैली का आयोजन किया गया। रैली में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि संविधान के पालन नहीं हो रहा है, इसलिए रैली निकाली जा रही है। सीएम ने साथ ही कहा कि बीजेपी ने राजभवन को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के माध्यम से आरक्षण के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएगी कांग्रेस। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां अधिकार रैली का आयोजन किया गया है और इसमें सीएम भूपेश भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप तक रायपुर से पहुंचा रहे। उन्होंने कहा कि सरकार ना डरेगी ना ही झुकेगी। तस्वीरें आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं, जहां सीएम पहुंचे हैं महारैली में। और आपको बता दें कि उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारी संख्या में लोग रैली में शामिल हुए और इसमें सीएम भूपेश भी पहुंचे। उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। देकर पालन नहीं होते तेकर से ये रैली निकालेल गए। आप सब विधायक चुने, सांसद चुने और ये विधायक मन विधानसभा में बैठ के जिन कानून पारित करीस, राजभवन हमल रोक दे। भारतीय जनता पार्टी राजभवन के राजभवन ल राजनीतिक अखाड़ा बना के रखे और ये जिन अधिकार आप ल मिलना चाहिए वो में रुकावट डाले काम कर रहे। 2 दिसंबर के आरक्षण बिल पारित हुई जेमे जतका अधिकार है बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया है ये अनुसूचित जाति और जनजाति ला होकर जतका प्रतिशत है, जिसका जनसंख्या उसका प्रतिशत आरक्षण में। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विधायक दल की बैठक हुई खत्म। सीएम हाउस में आयोजित की गई थी ये बैठक। मंत्री कवासी लखमा भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद मंत्री कवासी लखमा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम पर बैठक में चर्चा हुई, संतराम नेताम के नाम पर भी चर्चा की गई। उपाध्यक्ष संतराम नेताम ही बनेंगे। साथ ही राज्य मंत्री विधायक बृहस्पत सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है, वो भी इस बैठक में शामिल थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दल की बैठक अब समाप्त हो चुकी है और उसके बाद मंत्रियों का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम पर बैठक में चर्चा की गई, साथ ही संतराम नेताम के नाम पर भी बैठक में चर्चा हुई। उपाध्यक्ष संतराम नेताम ही बनेंगे। वहीं आपको बता दें कि राज्य मंत्री विधायक बृहस्पत सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर चर्चा की गई, भारत जोड़ो आंदोलन पर भी चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में ये बैठक का आयोजन किया गया था। मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान इसके बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष संतराम नेताम ही बनेंगे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बैठक में मंत्री कवासी लखमा भी मौजूद थे और राज्य मंत्री विधायक बृहस्पत सिंह भी इस बैठक में मौजूद थे, जिसके बाद मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि संतराम नेताम ही बनेंगे उपाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दल की बैठक अब खत्म हो चुकी है।
बिग पास तो कोई मुद्दा ही बिग पास हो गया, काली चिल्ला रहा, अपना भागे नहीं लेना, दूसरे को पूछने नहीं देना, उसके लिए हम भावे नहीं देते हैं। उनके पास आय कितना, हर काली कूदी चिल्लाते हैं, सभी जगह राजनीति करते हैं, विधानसभा में बिग पास को वरिष्ठ नेता हमारा बिरजमोहन अग्रवाल वादा विधानसभा को दूसरे लोग को भाग दूसरे नहीं देता है। हम लोग बिग पास तो कोई मुद्दा ही चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है जहां आरक्षण को लेकर कांग्रेस की जन अधिकार महारैली में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंची थी। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का एयरपोर्ट में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कुमारी शैलजा ने कहा कि आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित किया गया है, साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन इस पर अड़चने पैदा की जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन गया है। वहीं आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने कहा कि रैली के बाद रायपुर के राजीव भवन में मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ बातचीत होगी। इसके अलावा शाम को विधायक दल की बैठक में भी विधायकों से बातचीत की जाएगी। तस्वीरें आप तक रायपुर से पहुंचा रहे हैं जहां कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची है। आपको बता दें कि अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उनका भव्य स्वागत किया एयरपोर्ट पर, और साथ ही प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मीडिया से भी रूबरू हुई। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार संवैधानिक रूप से भी हमारे जो निर्वाचित विधानसभा है उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ में लोगों में बहुत प्रतिक्रिया है, और इस बात को लेकर आज छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है। आरक्षण के मामले में लोगों तक सही बात पहुंचाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक ली है। प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव भी बैठक में मौजूद रहे। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कुमारी शैलजा ने बैठक ली है और आपको बता दें कि प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर पहुंची और उसके बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक ली जिसमें प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव भी मौजूद रहे। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक ली है जिसमें चंदन यादव भी मौजूद रहे। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रायपुर से प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक ली है। प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव भी इस बैठक में मौजूद। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर चर्चा की गई और हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव भी मौजूद रहे। इस बैठक में आपको बता दें कि महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई और साथ ही हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई।
प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक ली। बैठक आयोजन किया गया रायपुर में। चंदन यादव भी इस बैठक में मौजूद रहे। महाधिवेशन की तैयारी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण के मुद्दे को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। दरअसल विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो चुका है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए, जिसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात की। और साथ ही आपको बता दें कि मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से जल्द निर्णय लेने की मांग की है, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि राज्यपाल जल्द ही इस पर हस्ताक्षर करेंगे। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है। आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में घमासान तेज होता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा, और मंत्री मोहन मरकाम ने कहा कि जल्द ही निर्णय इस पे लेने की हमने उनसे मांग की है। मोबाइल 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 पवित्र सदन में पास किया गया विधेयक पर हस्ताक्षर, उसपे त्वरित निर्णय हो, हमने निवेदन किया है। महामहिम राज्यपाल ने भी हमें आश्वासन दिया कि हम जरूर जल्दी से जल्दी हर पहलुओं पर विचार करके हम उम्मीद करते हैं महामहिम राज्यपाल जल्दी से निर्णय लेगी, ऐसा मुझे। मंचोरिया के धान खरीदी केंद्र में लगातार धान खरीदी जा रही। बड़ी संख्या में किसान सुबह से धान बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। सेवा सहकारी समिति मर्यादित सोसाइटी छुरिया में धान का उठाव समय समय पर होने के कारण किसानों को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सेवा सहमति समिति मर्यादित छुरिया ने अब तक किसानों से 57,177.60 क्विंटल धान खरीदी की जा चुकी है। साथ ही धान का उठाव किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक 26,725 क्विंटल उठाया जा चुका है, जिसके चलते किसानों को धान बेचने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं छुरिया से, जहां प्रदेश में लगातार धान खरीदी चालू है। आपको बता दें कि किसानों को कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब तक 26,725 क्विंटल धान का उठान हो चुका है। वहीं कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी की ओर से दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत देने वाली राशि 20 लाख रुपए परिजनों को दी गई, जिसमें 20 प्रकरणों में संबंधित परिजनों ने बीमा राशि कलेक्टर की ओर से चेक के माध्यम से प्राप्त की। आपको बता दें कि बीमा दावा राशि चेक के द्वारा परिजनों के बैंक खातों में सीधे भेज दी जाएगी। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल सहित दिवंगत छात्रों के परिजन भी मौजूद रहे। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोंडागांव से छात्र दुर्घटना बीमा राशि का वितरण किया गया है। 20 लाख रुपए के चेक दिए गए। आपको बता दें कि कलेक्टर की ओर से ये चेक दिए गए हैं और परिजनों के खाते में सीधे डाले जाएंगे ये चेक। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है नारायणपुर से। बीजेपी नेताओं को नारायणपुर जाने से रोका गया है। बेनूर थाना के सामने संतोष पांडे, केदार कश्यप, मोहन मंडावी, महेश गागड़ा मौजूद। बीजेपी बीते दिन धर्मांतरण को लेकर हुई थी झड़प। 5 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जा रहा है जेल।
नारायणपुर बीजेपी जिला सहित 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर जवान मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नारायणपुर से नारायणपुर जाने के लिए बीजेपी नेताओं को रोका गया है। बेरूर थाना के सामने संतोष पांडे, केदार कश्यप, मोहन मंडावी, महेश गागड़ा मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते दिन धर्मांतरण को लेकर झड़प हुई थी और उसके बाद अब बीजेपी नेताओं को नारायणपुर जाने से रोका गया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान मौजूद हैं। नारायणपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष सहित 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नारायणपुर से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं को नारायणपुर जाने से रोका गया है। बेनूर थाना के सामने संतोष पांडे, केदार कश्यप और साथ ही मोहन मंडावी, महेश गागड़ा मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, नारायणपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन धर्मांतरण को लेकर झड़प हुई थी और अब उसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण मुद्दे को लेकर राजनीति उबाल जारी है, जिसको लेकर कांग्रेस जन अधिकार महारैली शुरू कर दी गई है। महारैली में मंत्री टीएस सिंहदेव, मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री शिव कुमार डहरिया, मंत्री प्रेम सहाय सिंह टेकाम, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अमरजीत भगत सहित कांग्रेस के तमाम विधायक और पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस की तरफ से जन अधिकार महारैली निकाली गई है। आरक्षण मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कई पदाधिकारी इस रैली में शामिल हुए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आरक्षण मुद्दे को लेकर घमासान लगातार छत्तीसगढ़ में तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर ये रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी और नेता भी शामिल हुए। वही राज्य शासन की ओर से भारतीय वन सेवा के 2 अधिकारियों को उनके वर्तमान कार्यों के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, जिसके वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। छोरिया भाजपा की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी की माताजी हीराबा को श्रद्धांजलि देकर बैठक की शुरुआत की गई। भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंद्र वैष्णव और भाजपा वरिष्ठ नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्र के युवा नीरज यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश शासकीय स्वाध्याय मंडल सह प्रमुख का दायित्व सौंपा गया है। वहीं आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र मातेखेड़ा के रहने वाले नीरज यादव प्रदेश में दायित्व मिलने पर उनको बधाई दी है। मुझे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के छुरिया के सभी पदाधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा बधाई दी गई। ये बधाई मेरी नहीं है, ये बधाई जो है युवा मोर्चा के हरेक कार्यकर्ताओं की है। जो युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे दिलो जान से भारतीय जनता पार्टी का काम करता है, एक मातेखेड़ा जैसे छोटे से गांव में 2013 में बूथ अध्यक्ष और बूथ का काम करने वाले छोटे से कार्यकर्ता को आज एक प्रदेश स्तर की जवाबदारी मिली है, तो ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। 7 जनवरी को दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिलासपुर और कोरबा जिले के प्रवास पर रहेंगे गृह मंत्री। आपको बता दें कि कोरबा में सर्वमंगला मंदिर में मां सर्वमंगला के दर्शन भी करेंगे अमित शाह। कोरबा के इंदिरा स्टेडियम में करेंगे बीजेपी नेताओं को संबोधित। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। 7 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे छत्तीसगढ़। प्रदेश सरकार किसान हित को ध्यान में रखते हुए विशेष पहल कर रही है, जिसमें समर्थन मूल्य में धान खरीदी पहली है। सहकारी कृषि समितियों में धान खरीदी गाइडलाइंस के अनुसार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हुई, जो लगातार जारी है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
खरेगा धर्मंत्री में धान खरीदी हमेशा से अव्वल दर्जे पर रहा है। साथ ही आपको बता दें कि उठाव धीमी गति से चल रहा है, 17% नमी मापकर धान की खरीदी की जा रही, साथ ही साथ शासन के समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है। रकबा 1734.06। सरकार की गाइडलाइन है किसानों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, सभी प्रकार का सुविधा मिले। और मोटा का रेट हुआ है 2040 रुपया जी, और पतले का 2060 रुपया जी। के लिए पेयजल की व्यवस्था है जी, और बैठने के लिए यहाँ पर छायादार बनाया गया है जी, बनाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा चल रहा है, 40 किलो तोड़ रहे हैं बारदाना वजन छोड़कर जी। टोकन तुहर हाथ के तहत प्रति दिवस धान खरीदी के अंतर्गत किसानों द्वारा 30% टोकन जारी किया जा रहा है, जिसमें 420 क्विंटल टोकन की मात्रा प्रतिदिन किसानों द्वारा काटा जा रहा है। वहीं प्रदेश में फैले सट्टाबाजी के नेटवर्क पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने ईडी से शिकायत की है। मंगलवार को मूणत अपने समर्थकों के साथ परिवर्तन निर्देशालय के रायपुर से दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से कहा कि महादेव ऐप का सच सामने आ गया तो कांग्रेस से जुड़े कई चेहरे बेनकाब होंगे, कांग्रेस के कारनामे भी उजागर होंगे। हमने इस संबंध में परिवर्तन निर्देशालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप, जिनके संरक्षण में जिनके सहयोग से चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए की लेन देन गरीब परिवार के खातों के अंदर ट्रांसफर, एक जब सरकार कहती है कि चिटफंड कंपनी के नाम पर जनता को लूटा गया। दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आर्यन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। वार्ड नंबर 8 में पानी की किल्लत दूर होगी, आर्यन न्यूज की टीम ने उठाया था मुद्दा, नगर प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया है, खबर लगने के बाद कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आर्यन टीवी की खबर का असर देखने को मिला है, वार्ड नंबर 8 में पानी की किल्लत को दूर किया जाएगा, निगम प्रशासन की तरफ से ये बड़ी संज्ञान लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आर्यन टीवी की खबर का असर देखने को मिला है, वार्ड नंबर 8 के लोगों को अब पानी की किल्लत से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि आर्यन न्यूज चैनल ने ये मुद्दा उठाया था और उसके बाद निगम प्रशासन ने मामले का संज्ञान लेते हुए ये बड़ी कार्रवाई की है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, पानी की किल्लत, अब वार्ड नंबर 8 के लोगों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तस्वीरें दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं, आर्यन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है, वार्ड नंबर 8 में पानी की किल्लत अब दूर होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।